A very good morning class. Again we'll start our class with this prayer. So let us take a prayer with me. I commit to be vigilant and bear in mind at all times a risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, we were doing lesson 3, greenhouse effect and global warming. We'll start from ozone layer depletion, page number 20. The स्ट्रेटोस्फियर contains a layer of ozone gas. तो स्ट्रेटोस्फियर जो लेयर है उसके ऊपर ozone gas होती है. The ozone layer is found approximately 20 to 40 km above the earth surface. अर्थ सर्फेस से ozone layer है 20 to 40 km ऊपर होती है. It protects the earth from ultraviolet rays emitted by the sun. तो sun से जो ultraviolet rays आती हैं तो ये वाली जो ozone layer है वो उन ultraviolet rays से हमें प्रोटेक्ट करती है. एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी हार्मफुल एज इट कॉजेज हेयर लॉस, स्किन कैंसर, बर्थ डिफॉर्मिटीज एटसेट्रा इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स. अल्ट्रावायलेट रेज कैन ऑल्सो हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन प्लांट्स ग्रोथ. तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज अगर हमारे तक पहुंचती है तो उसके साथ बहुत सी हार्मफुल कॉजेज है. इसके हेयर लॉस होने लग जाते हैं, स्किन का कैंसर हो सकता है, बर्थ बाय बर्थ कोई मल न्यूट्रिशन कोई कमी हो सकती है और इसके साथ ही प्लांट्स की ग्रोथ में भी इसका एडवर्स इफेक्ट है. In recent years, a depletion of the ozone layer has been observed, especially near the poles. तो poles के पास तो इसकी जो depletion है वो देखी गई है. A major factor contributing to this depletion is the emission of chlorofluorocarbon and bromofluorocarbons into the atmosphere in significant amounts. तो जो use होने लगा था chlorofluorocarbons का और bromofluorocarbons का, इसके साथ जो है डेप्लीशन के चांस बढ़ गए थे. डेप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग का जो भी एक सबसे बड़ा रीज़न है ओजोन लेयर डेप्लीशन. नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट क्या पड़े. तो ग्लोबल वार्मिंग इज अ स्लो प्रोसेस. इट इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर बाय अ फ्यू डिग्री ओवर सेवरल डिकेड्स. हाउएवर द स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर कैन इफेक्ट लाइफ ऑफ अर्थ सीवियरली. सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर. तो धीरे धीरे से इसके इफेक्ट पड़ रहे हैं. तो इसके साथ मेन क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है अर्थ का. फर्स्ट है मेल्टिंग ऑफ आइस. द आइस कैप्स नियर द पोल्स इंक्लूडिंग ग्लेशियर्स, द आइस शीट्स ऑफ वेस्ट एंटार्क्टिका एंड ग्रीनलैंड एंड द आर्कटिक सी हैव स्टार्टेड मेल्टिंग एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग के साथ क्या हुआ है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या हुआ है कि जो पोल्स के पास एंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड आर्कटिक सी है उसमें क्या है कि जो आइस है वो मेल्ट होने स्टार्ट हो गई है. राइज इन सी लेवल. If the Earth's temperature continues to rise, the global sea level may rise about 2 to 10 cm every decade. तो कुछ ही 10 सालों में जो अगर जो एटमोसफियर ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2 to 10 cm तक जो है सी का लेवल बढ़ जाएगा. It may cause floods in countries. तो इसका क्या रीज़न बनेगा, near the coast such as Bangladesh and the Netherlands. It may also submerge many islands in the Asia-Pacific region. तो इसके साथ क्या है कि फ्लड की ज़्यादा चांसेस बनेंगे. माइग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स. ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज मैनी एनिमल्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ सूटेबल हैबिटेट. तो जब एक जगह गर्मी बढ़ती है तो एनिमल्स माइग्रेट करते हैं दूसरी जगह सूटेबल हैबिटेट के लिए. सम
स्पीसीज ऑफ फॉक्सेस बटरफ्लाइज एंड प्लांट हैव ऑलरेडी मूव टू कोल्डर क्लाइमेट. तो ये फॉक्सेस है, बटरफ्लाइज है, प्लांट्स है, वो कोल्डर क्लाइमेट में मूव कर गए हैं. दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन कैन डिस्टर्ब द फूड चेन एंड लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीसीज. इन द लास्ट 30 ईयर्स अ नंबर ऑफ एडेली पेंगुइन्स इन एंटार्क्टिका डिक्रीज फ्रॉम 32,000 ब्रीडिंग पेयर्स टू 11,000. तो क्या हो गया कि बहुत सारे पिछले 30 ईयर्स में बहुत सारे पेंगुइन्स हैं, एडेली पेंगुइन्स, वो उन्होंने क्या किया है इन एंटार्क्टिका डिक्रीज्ड फ्रॉम, तो एंटार्क्टिका में बहुत कम हो गए हैं वो, 32,000 से 11,000 तक पहुंच गए हैं ड्यू टू द वेदर, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस. तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस इज अनदर इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग में लीड टू फ्रीक्वेंट हरिकेन्स, ड्राउट एंड फ्लड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. देयर हैज़ ऑलरेडी बीन एंड इंक्रीज इन द एवरेज रेन एंड स्नोफॉल प्रेसिपिटेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. तो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग ने वेदर को भी इम्पैक्ट डाला है. तो इसके साथ के फ्रिक्वेंटली हरिकेन्स, ड्राउट्स है, फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में. देयर हैज़ ऑलरेडी बीन एन इंक्रीज इन द एवरेज रेन. तो एवरेज रेन भी बढ़ी है एंड स्नोफॉल अक्रॉस द वर्ल्ड इसमें भी इंक्रीज हुआ है. फूड शॉर्टेज अनदर इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग. क्लाइमेटिक चेंजेस आर हैपन्ड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. दिस इन टर्न विल लीड टू फूड शॉर्टेज एस्पेशली इन एरियाज अंडरगोइंग डेजर्टिफिकेशन. तो क्या क्लाइमेट चेंजेस आ रही है, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है कि फूड की शॉर्टेज आ रही है. तो जो डेजर्टिफिकेशन एरियाज है उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से फूड की कल्टिवेशन नहीं होती, तो फूड ज़्यादा बनते नहीं, तो इसके साथ फूड की शॉर्टेज आती है. वेज टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, रिप्लेस लाइट बल्ब्स विद फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब्स. तो जो हमने लाइट बल्ब्स लगाए हुए हैं उसकी बजाय हमें फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब्स लगाने चाहिए. क्यों, फ्लोरोसेंट बल्ब्स कंज्यूम अबाउट 70% लेस एनर्जी दैन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब्स. टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू डोंट नीड देम. Use energy efficient appliances that consume less energy. They also reduce your electricity bill and carbon footprint. Switch off appliances when not in use. कि क्या है कि जब नहीं ज़रूरत है तो electronic appliances है उसको बंद रखो. इसके साथ क्या होगा, आपकी electricity के bill की बढ़ बिल भी कम होंगे और energy भी कम लगेगी. एम्फेसाइज ऑन यूजिंग सोलर एनर्जी टू हीट वाटर एंड लाइट होम्स एंड ऑफिसेस. तो सोलर एनर्जी का मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए. यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अदर ऑप्शंस लाइक कार पोलिंग एंड साइकिलिंग फॉर ट्रैवलिंग. दिस विल ऑल्सो सेव फ्यूल कॉस्ट. तो ये भी अनदर ट्रांसपोर्ट की ऑप्शंस है कि कार पोलिंग यूज़ करो, साइकिलिंग यूज़ करो इधर उधर जाने के लिए. दिस विल ऑल्सो सेव फ्यूल कॉस्ट. तो इसके साथ भी क्या होगा, फ्यूल के पैसे आपके बचेंगे, तो एनर्जी सेव होगी, एनर्जी सेव होगी तो ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सकते हैं. तो यूज फ्यूल्स लाइक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड अनलीडर्ड पेट्रोल टू रन व्हीकल्स. तो यूज़ क्लीन फ्यूल्स लाइक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यूज़ करनी चाहिए एंड अनलीडर्ड पेट्रोल टू रन व्हीकल्स, व्हीकल के लिए. फॉलो द 3R principles, reduce, reuse and recycle. Reduce the use of paper, plastic bottles and metals. Find out new ways to reuse things. For example, old tires or buckets can be used to grow plants, recycle paper, plastic material and metals. So follow the 3R principles. Plant more trees and adopt and initiate various afforestation and reforestation programs. तो यूज़ प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग. इट रिक्वायर्स लेस टाइम टू कुक एंड
cook food and saves up to 70% of energy. Use lid on vessels while cooking. Use the washing machines or dishwashers sparingly. Use them only on full load. ठीक है, दीज वर द सम पॉइंट्स टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग. सो अवर कंटेंट इज ओनली अप टू दिस मच. विद दिस, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू.